दोस्तों, टेक टिप्स के इस वीडियो में मैं आपको investing.com में चार्ट में कैंडलस्टिक चार्ट कैसे लगाते हैं ये बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, investing.com में बाय डिफॉल्ट जो चार्ट आता है वो लाइन चार्ट आता है, तो किस तरह आप लाइन चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं investing.com ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, investing.com ऐप ओपन हो चुका है। नीचे मेन्यू है, हम मार्केट्स के ऑप्शन पर हैं। कोई भी एक मैं यहाँ पर जो लिस्टेड इंडेक्सेस या शेयर हैं उस पर मैं टैप कर देता हूँ। आपको समझाने के लिए निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। टैप करके आप यहाँ देख सकते हैं लाइन चार्ट है और किस तरह आप इसे कैंडलस्टिक चार्ट में बदल सकते हैं ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं टाइमलाइन के सबसे आखिरी में कैंडलस्टिक्स बने हुए हैं, इस पर टैप कीजिए तो आप देखेंगे कि चार्ट जो है कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। फुल स्क्रीन में भी दोस्तों मैं वापस इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ आप देख पाएंगे कि सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में कैंडल्स बने हुए, इस पर टैप कीजिएगा तो ये आपको कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर आप investing.com ऐप में लाइन चार्ट्स को कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में।